वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी जय माता दी, ताकि इस दीपावली माता रानी के आप पर कृपा बरसती रहे। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दीपावली की रात और धनतेरस की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि धनतेरस को रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। और अगर आपने धनतेरस को ये मिस कर दिया है, यानी ये मौका आपने खो दिया है, आपने ऐसा नहीं किया, तो कोई बात नहीं दोस्तों, दिवाली की रात को आपको क्या करना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखे, कब खरीदे, कब फेंके, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दे रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए और खासकर धनतेरस के दिन जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाए। धनतेरस के दिन विशेष रूप से झाड़ू का ये प्रयोग जरूर करें। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों कि झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखें तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे, घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। धनतेरस के दिन कहते हैं कि अगर झाड़ू खरीदें तो सोने पे सुहागा, मतलब बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होगा। धनतेरस के दिन अगर झाड़ू की विशेष पूजा आराधना की जाए, झाड़ू धनतेरस के दिन अगर आप लेकर आएं और फिर आप माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर इसकी पूजा आराधना करें या फिर इसके नीचे रात को सोने से पहले यह बताई जाने वाली एक चीज को दबा कर रख दें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। खासकर माता लक्ष्मी जी स्थिर वास करेंगे आपके घर में और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसेगी। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको बता दें कि आपको धनतेरस के दिन एक विशेष प्रयोग करना है। धनतेरस के दिन आप झाड़ू को सूर्य अस्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। ध्यान रखिएगा क्योंकि धनतेरस के दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला दिन कहलाता है। दोस्तों वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय पर आप फिर बाहर ना फेंके। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। धनतेरस के दिन झाड़ू विशेष रूप से आप एक ऐसी जगह पर रख दे जहाँ किसी की नजर उस पर ना पड़े, किसी की नजर जा ना पाए वहां पर। और ध्यान रखे इस काम को करते समय आपको कोई भी ना देखे, ना रोके, ना टोके। तो धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आना है और झाड़ू को एक अच्छी जगह पर छुपा करके आपको रख देना है। फिर दोस्तों आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप ये उपाय जरूर करें, फिर देखें कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें, आप घर से बाहर फेंक दें या डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा लें, आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंके, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े। दोस्तों सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता,
कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए क्योंकि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू, पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती हूँ घर की झाड़ू, तो आप ये गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों झाड़ू मामूली सी चीज़ है, धनतेरस के दिन आपको झाड़ू ज़रूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही ये शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दे और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाने की विशेष परंपरा इसीलिए मनाई जाती है। तो धनतेरस के दिन आप झाड़ू जरूर लाएं और पुराना झाड़ू इस दिन घर से बाहर निकाल दें, फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां भरती है। दोस्तों खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वो भी सही नहीं माना जाता है, इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है, इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज छुपा करके दबा करके रख देनी है जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस चूक चुके हैं, ये मौका आप गवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात भी आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। और वो चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें, धोकर इसे दोस्तों, और उसके बाद इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारी घर की नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप अपना ये 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रखे रहने दीजिए, और अगर आप चाहें तो अगली दिवाली या धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। इसके अलावा इस दीपावली आप ये काम करें दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको धनतेरस पर नहीं करना है, दीपावली की रात करना है। और वो छोटा सा काम है दोस्तों कि आपको 2 इलायची और 2 लौंग रात को सोने से पहले चुपके से झाड़ू के नीचे दबा करके रख देनी है। ऐसा करते हुए आपको कोई ना रोक ना पाए दोस्तों, कोई टोके ना, कोई देखे ना, इस बात का ख्याल रखें। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हर साल दीपावली से 1 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व पड़ता है। इसे धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष कुबेर और भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की परंपरा भी है। इस पर्व को धन समृद्धि दायक माना गया है। तो चलिए जानते हैं इस बार कितनी तारीख को है धनतेरस और क्या है महत्व व पूजा विधि। हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस का त्योहार 2 नवम्बर 2021 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 11:31 से। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी दोस्तों 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 9:02। दोस्तों धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। दोस्तों धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त भी आपको बता दें, शाम को 6:16 से रात 8:11 तक। पूजन की कुल अवधि रहेगी 1 घंटा 54 मिनट।
धनतेरस वाले दिन से ही दीपोत्सव यानी दिवाली की शुरुआत हो जाती है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, धन कोषादेश कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन की कमी नहीं होती। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी इसी दिन अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन उनका पूजन किया जाता है। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है, क्योंकि जब भगवान धनवंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथों में कलश था। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस की पूजा विधि की। तो दोस्तों धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर की ओर कुबेर और धनवंतरी की स्थापना करें। इसी के साथ माँ लक्ष्मी व गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर भी आपको स्थापित करनी है। अब दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन करना आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प फल आदि चीजें अर्पित करें। अब कुबेर देवता को सफेद मिष्ठान और धनवंतरी देव को पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। पूजन के दौरान ओम ह्रीम कुबेराय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। भगवान धनवंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धनवंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनतेरस का त्योहार धन की कमी को दूर करने वाला और धन समृद्धि प्रदान करने वाला त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान श्री हरि के अवतार धनवंतरी की भी उत्पत्ति हुई थी। उन्हें आयुर्वेद का जनक और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। धनतेरस के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और उनका आवाहन किया जाता है। धनतेरस पर निर्धनता को दूर करने के लिए कुछ स्थानों पर दिया जलाने की भी बात हमारे शास्त्र और पुराणों में बताई गई है। आइए जानते हैं धनतेरस पर निर्धनता दूर करने के लिए किन किन स्थानों पर दिया जलाएं। निर्धनता दूर करने के लिए अपने पूजा घर में धनतेरस की शाम को अखंड दीपक जलाना चाहिए, जो दीपावली की रात तक जरूर जलता रहे। अगर दीपक भैया दूज तक अखंड जलता रहे तो घर के सारे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं और आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर आप लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। दिए को रखने के स्थान पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि दीपक को सीधे धरती पर ना रखें। पहले चावल यानी अक्षत की थोड़ी सी आप डेरी बना लें और फिर दिए को उस डेरी के ऊपर ही रखें। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और उसमें दो काली गुंजा डाल दें। उसके बाद गंधक आदि सामग्री से पूजन करके घर के मुख्य द्वार पर अन्न की डेरी पर दिया रख दें, यानी कि आपको अन्न बिखेर कर डेरी बनानी है और उस पर आपको दिया रखना है। साल भर आर्थिक अनुकूलता बनी रहेगी। स्मरण रहे वो दीप रात भर जलते रहना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। दीपावली के दिन रात भर घी का दीपक जले सूर्य उदय तक तो बड़ा शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन चांदी की कटोरी में अगर कपूर को जलाएं तो आपको परिवार की तीनों तापों से रक्षा होती है। हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितर और देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी आत्माएं घर में जन्म लेती है। नूतन वर्ष के दिन यानी दीपावली के अगले दिन गाय के खुर की मिट्टी से अथवा तुलसी जी की मिट्टी से तिलक करें। सुख शांति में बरकत होगी। दीपावली की शाम को अशोक वृक्ष के नीचे घी का दिया जरूर जलाएं तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अब जो मैं आपको प्रयोग बताने वाली हूँ, या आप धनतेरस की रात या दीपावली की रात किसी भी दिन करें, बहुत ही ज्यादा ये शुभ रहता है। इसके लिए आपको करना ये है दोस्तों कि धनतेरस की रात को या फिर दीपावली की रात को आप अपने घर में तकिए के नीचे, जहां आप सोते हैं वहां पर तकिए के नीचे दो इलायची रख ले दोस्तों, और अगले दिन सुबह इस इलायची को आप अपने घर से दूर कहीं फेंक दें। आपके ऊपर अगर किसी भी नकारात्मकता का कोई प्रभाव है तो वो दूर हो जाएगा दोस्तों, इसलिए इलायची को आपको सुबह घर से दूर कहीं बाहर फेंक देना है। इसी तरह से दोस्तों आप दीपावली की रात ये उपाय भी जरूर करके देखिए, ये बहुत ही आपके लिए काम का उपाय है। आप चाहें तो धनतेरस की रात भी कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय का महत्व दीपावली की रात को ज्यादा है। आपको करना ये है कि चार काली मिर्च लीजिए और दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन के बाद आप किसी भी चौराहे पर जाकर चार काली मिर्च को चारों दिशाओं में आपको एक एक दाना आसमान की तरफ फेंकना है दोस्तों, और इसके बाद आपको बोलना है लक्ष्मी आ दरिद्रता जा, लक्ष्मी आ दरिद्रता जा, या आपको कुल 11 बार बोलना है। उसके बाद पीछे बिना मुड़े ही आपको अपने घर वापस लौट आना है, तो इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होगी दोस्तों और माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप धनतेरस की रात भी ये कर सकते हैं, लेकिन दीपावली की रात तो आप इसे जरूर करें। हल्दी कुमकुम से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए।
आप ये लक्ष्मी पूजन के बाद भी करें और सुबह उठते ही करें। दो बार आप इसे दिन में करें, धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन। एक लोटा पानी दोस्तों आप लीजिए, उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालिए और सुबह और शाम के समय धनतेरस के दिन आप अपने घर में छिड़काव करें। बहुत ही शुद्ध वातावरण रहता है, इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। तुलसी की जड़ की माला अगर आप इस दिन अपने घर ले आते हैं और लाकर अपने पूजा घर में रखते हैं तो बहुत ही शुभ फल इसका आपको मिलेगा। धनतेरस की रात को दोस्तों आपको अपने पति के साथ ये एक काम भी जरूर करना चाहिए। आपको बता दे कि आपको धनतेरस की रात भगवान की पूजा अपने पति के साथ ही करनी चाहिए। अगर शादीशुदा महिलाएं हैं तो कभी भी आप अकेले पूजा ना करें, जोड़े में ही पूजा करें, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। इस दिन दोस्तों तुलसी घर में लगाना बहुत ही शुभ है और इस दिन गायत्री मंत्र सुनना भी बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। आप चाहे तो गायत्री मंत्र बजा सकते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी चलता है, या फिर आप गायत्री मंत्र खुद बोले तो और भी ज्यादा उत्तम रहेगा। रात को मुख्य दरवाजे पर आप ये एक छोटा सा काम कर ले। इस दिन धनतेरस के दिन आप रात को घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जरूर लगाइए, क्योंकि वहां पर दोस्तों धनतेरस की रात अंधेरा नहीं होने देना चाहिए। आप पूजन के बाद वहां पर दीपक जरूर लगाइए। इसके अलावा दोस्तों ऐसी कुछ जगहें भी है जहां पर आपको धनतेरस की रात दीपक जरूर लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मुख्य द्वार पर दीपक लगाना है, इसके अलावा आपको एक दीपक तुलसी पर भी रात के समय रखना है। और जो आप दीपक तुलसी पर रखेंगे दोस्तों उसमें आपको एक रुपए का सिक्का भी डालना है, एक सुपारी डालनी है। इसके अलावा आपको एक चौराहे पर दीपक रख के आना है। इस रात धनतेरस की रात पर चौराहे पर जाकर दीपक रखाएं और पीछे मुड़कर ना देखें, घर वापस लौटाएं। इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन पुरानी झाड़ू आपको घर से बाहर कर देनी चाहिए और नई झाड़ू ले आनी चाहिए। अब बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि झाड़ू दीपावली के दिन खरीदनी चाहिए या धनतेरस के दिन, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दोनों ही दिन शुभ है। दीपावली से अच्छा मौका नहीं मिल सकता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धनतेरस पर तो हमेशा ही झाड़ू बदलने के बारे में शास्त्रों में भी बताया गया है। तो आप क्या करें, धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर के आइए और आप उसका पूजन करके उसका घर में इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप मौका चूक चुके हैं तो आप बेशक दीपावली के दिन ले आइए, लेकिन ज्यादा शुभ रहेगा कि आपको धनतेरस के दिन अपने घर में नई झाड़ू लेकर के आनी चाहिए। फिटकर ही आप एक लाल कपड़े में बांधकर अगर रात को पूजन करने के बाद मुख्य द्वार पे लटका दे दोस्तों, तो इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है, घर में नकारात्मकता कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आप लाल कपड़े में बांधकर फिटकरी अपने मुख्य द्वार पर शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद जरूर लटका दें। और इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह से आपको लगानी है कि ये किसी को भी दिखाई ना दे। दोस्तों मुख्य द्वार पर पायदान तो होगा ही, तो आपको अपने पायदान के नीचे चार दाने काली मिर्च रखनी है। दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अगले दिन इन्हें घर से दूर आपको कहीं बाहर फेंक देना है। काली मिर्च को आपके घर की सारी नकारात्मकता ये अपने अंदर समेट लेगी, जिसे आपको अगले दिन अपने घर से बाहर कर देना है। इन चार काली मिर्च के दानों को आपको कहीं दूर घर से बाहर फेंक देना है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर आप पायदान के नीचे ये नहीं कर पा रहे हैं या पायदान नहीं रखा है, तो आप इसे मुख्य द्वार के दोनों ओर गिर दीजिए दो दो दाने। लेकिन आपको इस बात का ध्यान ना है कि ना तो ये किसी को दिखाई दे और ना ही इस पर किसी का पैर पड़े, इस तरह से आपको ये रखनी है। काला धागा अगर आप इस दिन यानी कि धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध ले दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है, नजर नहीं लगती है, नजर दोष इससे दूर होता है दोस्तों। अगर घर में कोई सदस्य है जिसे बार बार नजर लगती है तो आप ये उपाय करें, आप काला धागा अपने घर के मुख्य द्वार पर बांधे। और दीपावली के दिन आप एक उपाय कर सकते हैं नजर दोष के लिए, आपको करना यह है कि काले धागे में आप 7 हरी मिर्च और 1 नींबू पिरो करके अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दे दोस्तों। इस तरह से आप लटकाइए कि इस पर सबकी नजर पड़े और इससे आपके घर का नजर दोष कम होता है। जिस व्यक्ति पर बार बार नजर पड़ती है उसे भी राहत मिलती है। रात को घर के बाहर आप द्वार के पास थोड़ा सा साबुत धनिया गिरा दें और माता रानी का जयकारा लगाएं, जय माँ लक्ष्मी। द्वार के दोनों तरफ इस तरह से आपको गिराना है कि किसी का इस पर पैर ना पड़े दोस्तों, क्योंकि धनिये में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, क्योंकि साबुत धनिया माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। और धनतेरस के दिन 6 राशियां करोड़पति होने वाली है। दोस्तों दीपों का त्योहार दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, तो वहीं त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है।
दीपावली पर धन की देवी माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। तो वहीं दोस्तों बता दें कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी, धन के देवता कुबेर और धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है। मान्यता है कि धनतेरस पर धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की और कुबेर जी और धनवंतरी भगवान की भी विशेष कृपा दृष्टि बरसती है। साथ ही तरक्की और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। धनतेरस का पर्व दीपावली से ठीक दो दिन पहले कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को होता है। दोस्तों बता दें कि इस बार साल 2021 में धनतेरस 2 नवंबर के दिन यानी कि 2 नवंबर को पड़ रहा है, जिसके कारण ये धनतेरस विशेष रूप से बड़ा लाभकारी है, क्योंकि इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों बता दें कि ये दिन धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि 2 नवंबर को सुबह 11:31 पर शुरू होगी, 3 नवंबर की सुबह 9:02 तक रहेगी। धनतेरस का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, इसीलिए इस बार धनतेरस का पर्व 2 नवंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस साल धनतेरस प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर की शाम 5:35 से रात्रि 8:14 तक रहेगा। इस बार धनतेरस पर त्रिभुज का योग होने से इस बार का धनतेरस और भी ज्यादा खास हो गया है, जिसके कारण मां लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहेगी और इसी कारण से कुछ ऐसी राशियां हैं यानी कि कुल मिलाकर 6 ऐसी राशियां हैं जो कि करोड़पति बनने वाली है। जी हां दोस्तों, इन 6 राशियों की किस्मत अब माता लक्ष्मी जी चमकाने वाली है। साथ ही इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनने जा रहा है। धनतेरस के दिन 7 सालों बाद अद्भुत संयोग में धनतेरस आ रहा है। इस अद्भुत संयोग में धनतेरस पर खरीदारी करने से उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ शनि ग्रह की युति भी धनतेरस पर ही बन रही है, जिससे इस बार का धनतेरस और भी ज्यादा खास हो गया है। खासकर इन 6 राशियों की किस्मत को माता लक्ष्मी जी अब चमकाने वाली है। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके कि आखिर ये कौन सी 6 राशियां हैं जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि बरसने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार 4 ग्रहों की युति भी बन रही है और कई सारे दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी की खास पूजा आराधना करने का विशेष दिन है। धनतेरस के दिन आप कुछ विशेष वस्तुएं भी लेकर आएं, जैसे कि माता लक्ष्मी जी की तस्वीर लेकर आएं। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इनके विशेष रूप से जो इन्हें अति प्रिय चीजें हैं, जैसे कमल गट्टे की माला लेकर आएं। धनिया इस दिन आप जरूर लेकर आएं, साबुत धनिया एक मुट्ठी आप घर में जरूर ले आइए। इस दिन मोर पंख आप इस दिन लेकर के आएंगे तो आपको भगवान कृष्ण और विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही विशेष रूप से धनतेरस के दिन आप शाम के समय पूजा आराधना जरूर करें और जो चीजें आप धनतेरस के दिन लेकर आएंगे, जैसे आप चरण पादुकाएं इस दिन लेकर आ सकते हैं माँ लक्ष्मी की। माता लक्ष्मी के लिए आप चांदी का सिक्का लेकर आ सकते हैं। दोस्तों इन सब चीजों की आप दीपावली के दिन विशेष रूप से पूजा आराधना जरूर करें। एक बात और दोस्तों आपको बता दें, बहुत से लोग इस दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं लेकिन एक गलती कर बैठते हैं। आजकल प्लास्टिक की झाड़ू मार्केट में चल रही है, तो आपको इस दिन प्लास्टिक की झाड़ू लाने की भूल घर में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सीको वाली झाड़ू आती है, फूल झाड़ू आती है, ये झाड़ू आप घर में लेकर आइए। अगर आप सीको वाली झाड़ू यानी कि बांस की झाड़ू लेकर आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसकी सीके टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। इस दिन आप प्लास्टिक की झाड़ू घर में ना लेकर के आए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी राशियां हैं जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि होने वाली है। सबसे पहले जो राशि आती है दोस्तों वो है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इस बार धनतेरस आपके लिए काफी लकी रहेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन रही है। अब आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे, बिजनेस व्यापार में तेजी आएगी, तो वही रुका हुआ तमाम कार्य पूरा होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं, कई प्रकार के आपको लाभ भी मिलने वाले हैं। जो भी दिक्कतें, जो भी रुकावटें आपके जीवन में चली आ रही थी, वो सारी रुकावटें और दिक्कतें अब आपके जीवन से दूर होने वाली है। माँ लक्ष्मी की खास कृपा से आपके बिजनेस व्यापार की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। साथ ही नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ सैलरी में वृद्धि होगी। चलिए दोस्तों आपको बता दें अगली राशि कौन सी है। अगली राशि है दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए आपको बता दें कि इस बार का धनतेरस आपके लिए काफी लकी रहेगा। माँ लक्ष्मी की खास कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, साथ ही साथ धन के देवता कुबेर जी की भी रहेगी। बता दें कि जो भी काम इस दिन माता लक्ष्मी जी का ही स्मरण करके आप करेंगे, उसमें आपको 100% सफलता मिलती नजर आएगी। अगर आपका कोई पेंडिंग काम है, कोई रुका हुआ अटका हुआ काम था,
चाहे वो घरेलू जीवन में हो या फिर व्यापार, बिजनेस या फिर करियर में, वो काम पूरा होने वाला है। व्यापार पहले ठप पड़ गया था तो एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अब दोस्तों बता दें कि अगली कौन सी राशि है, तो अगली राशि है दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों की किस्मत अब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाली है, क्योंकि इस बार का धनतेरस आपके लिए काफी लकी रहने वाला है। धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही साथ बता दें कि इसमें आपका घरेलू जीवन भी शानदार रहेगा, पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध होंगे और आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या अगर चल रही थी, परेशानी चल रही थी, तो वो अब दूर होने वाली है। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे तो वो भी अब आपके घर से दूर होने वाली है। आपको बता दे कि अगली राशि है दोस्तों तुला राशि। तुला राशि के जातकों को बता दे कि अब आपकी किस्मत बहुत तेजी से चमकेगी, क्योंकि माता लक्ष्मी की खास कृपा दृष्टि रहेगी। इन 6 राशियों में से 1 राशि आपकी भी शामिल है। दोस्तों इस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, रुका हुआ तमाम काम पूरा होगा, स्वास्थ्य आपका अति उत्तम रहेगा, घर में कोई धर्म कर्म के कार्य होते नजर आएंगे, धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं, अविवाहित जातकों के रिश्तों की चर्चाएं हो सकती है, शादी विवाह की चर्चाएं हो सकती है, साथ ही आर्थिक संपन्नता देखने को मिलेगी। धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि से आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें अगर चलती आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। अभी आपको बता दें कि अगली राशि दोस्तों कौन सी है, तो अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को बता दें कि अब धन की देवी माँ लक्ष्मी जी धनतेरस के दिन बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहेगी। आपके ऊपर आपकी किस्मत पे माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाएगी। अब आपका भाग्य 7वें आसमान पर रहेगा। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे। जो भी काम करेंगे शत प्रतिशत आपको सफलता उसमें मिलती नजर आएगी, यानी आपके द्वारा लिया गया निर्णय काफी सराहनीय साबित होगा। जो भी काम करेंगे उसमें शत प्रतिशत आपको सफलता मिलेगी। प्रत्येक काम में आपको मुनाफा देखने को जरूर मिलेगा। बता दे दोस्तों कि अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातक को बता दे कि अब धन की देवी माता लक्ष्मी धनतेरस के दिन आप पर प्रसन्न मुद्रा में रहेगी और आपके सारे काम काज को निपटाती नजर आएंगी। इसमें आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा, घर में खुशियां छाएंगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और जीवन साथी का भरपूर सहयोग और साथ मिलेगा। घरेलू जीवन में काफी व्यस्त रहेंगे, विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। विदेश में अगर रहते हैं तो विदेश में बड़ी कंपनियों से ऑफर आएंगे, साथ ही साथ नई नौकरी लगने की उम्मीद बनी हुई है। नई जॉब के साथ साथ नए बिजनेस व्यापार का स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट चल रही थी जीवन में वो दूर होगी, साथ ही साथ इनकम में वृद्धि होगी, लॉटरी सट्टे में जबरदस्त लाभ होते नजर आएंगे, यहाँ तक कि करोड़पति बनने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। अब आप जरूर निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि धन से मालामाल हो सकते हैं, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, बैंकिंग के क्षेत्र से आपका लोन वगैरह मंजूर हो सकता है और इस लोन के मंजूर होने से आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामले में काफी सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों बता दें कि इस बार 2 नवंबर को जो धनतेरस का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसके कारण 2 नवंबर 2021 को जो धनतेरस मनाया जाएगा, इस धनतेरस पर कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बनने के कारण ये बताई गई राशियां ऐसी है जो कि करोड़पति बनने वाली है, ये धन से मालामाल बनने वाली है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी, हैप्पी दिवाली।